4000 किलोमीटर यात्रा करके भारत जोड़ो अभियान को मजबूती दी है, देशवासी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये महसूस करती है कि राष्ट्रपुत्र के रूप में है। चर्चा के विषय है कि राहुल गांधी जी की आखिर सदस्यता रद्द क्यों की गई। पूरा देश इस बात को जानने के लिए उत्सुक है आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है। दो वजह थी जो राहुल गांधी जी ने संसद में प्रधानमंत्री जी से सवाल किया था, प्रधानमंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राहुल गांधी जी का पूरा भाषण काट दिया गया, राहुल गांधी जी को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, खड़गे जी के भाषण का अंश काट दिया गया, और इसलिए आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है आखिर वजह क्या है जिसके कारण राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है। और पूरा देशवासी आज जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जानना चाहते हैं कि वो वजह क्या है बताएं। प्रधानमंत्री जी असहाय हैं, स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं वजह क्या है। वजह दो सवाल किए थे राहुल गांधी जी ने, अडानी जी से क्या संबंध प्रधानमंत्री जी का है, और विदेश यात्रा अडानी जी के फ्लाइट में अडानी जी के साथ कितनी बार की, 20,000 करोड़ का जो काला धन है कहाँ से आया, किसका पैसा है, किस कंपनी का पैसा है, वो चाहे चीनी सदस्य, एक चीन का एक व्यक्ति सदस्य है, वो कौन व्यक्ति है, इसका खुलासा होना चाहिए। आज तक खुलासा नहीं हुआ, इसके ठीक विपरीत राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मुद्दे उठाए हैं। अंग्रेजों के वक्त में के समय में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने काम किया था, जो भारत को आज़ाद कराया, इसलिए देशवासियों ने भारतवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के खिताब से नवाजा। आज वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर यात्रा करके भारत जोड़ो अभियान को मजबूती दी है, देशवासी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, नफरत की दीवार को गिरा रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। ऐसे मौके में भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना, उनको चिंताग्रस्त होना स्वाभाविक था, और यही वो एक वजह ये भी है, राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना तानाशाही रवैया बरकरार रखे, यही विषय है। मैंने महात्मा गांधी जी को जैसे देशवासियों ने राष्ट्रपिता का खिताब दिया, उसी तर्ज पर आज हम राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं और इतने भारतवासियों का दिल जीत चुके हैं। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ये महसूस करती है कि राष्ट्रपुत्र के रूप में है, राष्ट्र की धरोहर हैं, राष्ट्रपुत्र के रूप में हम जानते हैं उनको, और दुनिया राष्ट्रपुत्र के रूप में राहुल गांधी जी को जानेगी।